चैनल पर कम वीडियोस अपलोड करके ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, सीपीएम क्या है और हाई सीपीएम किन ममालिक का है, वहां पर वीडियोस को कैसे वॉच कराएं, हाई सीपीएम ममालिक में कौन कौन सा टॉपिक या कैटेगरी या नीच को पसंद किया जाता है, वहां की लैंग्वेज क्या है और उस लैंग्वेज को जिसको हम नहीं जानते, जिस पर एक्सेस या आबूर नहीं रखते, टॉपिक पर कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाए और उस टॉपिक और कैटेगरी या नीच को जो कि उस मुल्क की हो जिसका हाई सीपीएम है, हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर क्या देखा सुना और समझा जाता है, क्या चीज पसंद की जाती है। तो ये वो तमाम सवालात हैं जो एक न्यू यूट्यूबर को चैनल मोनेटाइज होने से पहले जहन में आते हैं और यकीनन हर एक शख्स चाहता है कि उसकी कम वीडियोस पर ज्यादा पैसा हासिल हो ताकि वो अपनी फैमिली का सहारा बन सके। इसका ताल्लुक चाहे बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान, ईरान, किसी भी मुल्क से हो, यह तरीका अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। सबसे पहले अगर आपके पास YouTube के लिए मेन सोर्स आपका गूगल क्रोम है, मीन्स कि आप लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टैब यूज करते हैं, तो आपके पास गूगल क्रोम ब्राउजर को आपने ओपन करना है और उसके YouTube ओपन करने के बाद 3 डॉट में जाकर आपने सेटिंग से लोकेशन उस मुल्क की लगानी है जहां आप वीडियो वॉच कराना चाहते हैं या जिस कंट्री के लिए आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे ही आप लोकेशन, आप फर्ज किया ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या जर्मनी लगाना चाहते हैं, कोई एक मुल्क मुंतखब करेंगे, तो आपको यूट्यूब होम पर सिर्फ उस मुल्क की देखे जाने वाले कंटेंट, यूट्यूब चैनल्स की कैटेगरी, टॉपिक और निच जुबान के मुतालिक तमाम मवाद और चीजें मिल जाएंगी जिनसे आप अपनी सलाहियत पसंद या ज्यादा व्यूज लेने वाली वीडियोज के टॉपिक को कवर कर सकेंगे। आपने ये चीज देखने के बाद दूसरा आपका स्टेप आता है, वीडियो कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहले आपको एक आर्टिकल चाहिए, आपको उस टॉपिक पर कोई तहरीरी यानी कि मवाद चाहिए जो कि आपने वहां उस वीडियो में बयान करना है, समझाना है। उसके लिए आपने आना है चैट जीपीटी पर और चैट जीपीटी से आपने वो कंटेंट तहरीर कराना है, फिर आपने उसको कॉपी करके किसी भी AI वीडियो जनरेटर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को दे देना है, जैसा कि आपके सामने यहां पर आ चुके हैं और यहां से आप देख सकते हैं ये AI वीडियो जनरेटर है, यहां पे आप देख सकते हैं नीचे भी मौजूद हैं ये इन वीडियो, बहुत अच्छा है, इसको आप प्रीमियम वर्जन इसका परचेज कर लें। इसके बाद यहां नीचे है विर्बो, ये भी बहुत अच्छा है, इसको नीचे की तरफ अगर स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो वीडियो लूप, फिल्मोरा है, DID है और बहुत कुछ यहां पर मौजूद है। आप इनमें से किसी का भी प्रीमियम वर्जन लेकर वहां से आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा और तरीका यहां से अप्लाई करके दिखाता हूं, जो कि मेरे पास एक यहाँ पे मौजूद है, ये जेन क्राफ्ट है, आप देख सकते हैं। यहां से आपने आना है और बहुत ही आसान है, जैसे कि वहां चैट जीपीटी से आपने क्रिएट कराना है, कुछ लिखवाकर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस जगह पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन है, लेकिन अगर आप यहां से फ्री में क्रिएट कराना चाहते हैं तो चंद इसके एक मिनट से भी कम आपको कुछ वीडियोस क्रिएट करने का ये ट्रायल देता है। मगर सीपीएम वाले मुमालिक अमेरिका सरफरस्त है, जिसका कम से कम सीपीएम रेट $6 और ज्यादा से ज्यादा $15 है। कनाडा का सीपीएम $7 से $13 तक है और ऑस्ट्रेलिया का कम से कम $8 और ज्यादा से ज्यादा $12 है। न्यूजीलैंड का $9 और ज्यादा से ज्यादा $12 और दरमियाने दर्जे के सीपीएम वाले मुमालिक में जर्मनी है जी सरफरस्त, जो कि मिनिमम $5 और ज्यादा से ज्यादा $8 है। फ्रांस का $4 और $7 है। भारत का $0.50 यानी कि $0.5 से शुरू होता है और ज्यादा से ज्यादा $2 तक सीपीएम जाता है। ब्राजील का $1 से $4 के दरमियान रहता है और कम सीपीएम वाले ममालिक में पाकिस्तान सरफरिस्त है जी, $0.30 से लेकर ये $0.70 तक इसका सीपीएम रेट है और ज्यादा से ज्यादा कभी कभार देखने में आया है कि $1 तक चला जाता है। इंडोनेशिया का $0.20 है और इससे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा हो जाता है $0.50 यानी ज्यादा से ज्यादा $0.50 है। नाइजीरिया का $1.50 से लेकर $3 है। श्रीलंका का $0.40 से लेकर $1 तक जाता है। और वजूहत और अवामिल कौन से हैं जिन पर हाई सीपीएम या ज्यादा रेट आपको मिल सकता है, क्योंकि मिनिमम भी बताया गया है और मैक्सिमम भी बताया गया है, तो इस बात का कैसे तायुन किया जा सकेगा कि कौन सी वीडियोस पर कितना सीपीएम होता है और कौन सी वीडियो पर ज्यादा इनकम होगी, ये बात अब आप सीखने जा रहे हैं। मवाद की नोयत, मखसूस अवामिल यानी मौजूदात, जैसा कि फाइनेंस पर अगर आप वीडियो बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पर बनाते हैं, टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसीज या फाइनेंस के यानी कि आप शेयर्स के बारे में बिजनेस आइडियाज शेयर करते हैं, तो भी आपको हाई सीपीएम यानी $20 से $50 तक आपको हाई सीपीएम रेट मिल सकता है, किसी भी मुल्क में मिल सकता है। इसके अलावा क्योंकि वो एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट बन जाता है, एडवर्टाइजर दिल खोल कर वहां पर खर्च करता है और महंगे एड्स भी लगवा देता है। इसके अलावा बाकी जितने भी कंटेंट हैं तो वो मिनिमाइज और मैक्सिमम के दरमियान कोई भी इनका सीपीएम रेट लग जाता है, जिसकी
डिटेल अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो में डिटेल से बता दूंगा। नेक्स्ट आ जाती है जी जुबान और मवाद की, यानी कि अंग्रेजी जुबान में हो या बैन अवी मौजूद हों या जो कि नाजरीन को मुतवजह कर रहे हों, जिन पर इश्तहार दहिंदा ज्यादा से ज्यादा खर्च करे तो उस पर आपको हाई सी पी एम रेट मिलेगा। अजीज दोस्तों, इसके अलावा अगर आप इश्तहार चलवाना चाहते हैं तो भी तरक्की याफ्ता ममालिक में अखराजात ज्यादा आएंगे, लिहाजा आप तरक्की पजीर ममालिक में इश्तहार चलवाएं तो आपको लो सी पी एम की वजह से कम अखराजात अदा करना पड़ेंगे। अब बात आती है जी इसके सी पी एम को आप जान चुके हैं और हमारी इनकम का इस पर क्या ताल्लुक है, जबकि मैंने बताया है कि ये सी पी एम है एडवर्टाइजर्स के मुतल्लिक रेट है। अजीज दोस्तों, इस रेट का इसलिए भी हमारी इनकम से ताल्लुक है क्योंकि यूट्यूब के हम पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा हैं एक एग्रीमेंट के तहत, यानी 50-55% हमारी लॉन्ग वीडियोस से रेवेन्यू जो हासिल होता है उसका हमें कंटेंट क्रिएटर को दिया जाता है, यानी हमें दिया जाता है। मिसाल के तौर पर $100 हासिल होते हैं यूट्यूब को एड्स की मद में, तो वो $55 कंटेंट क्रिएटर यानी यूट्यूबर को देता है और $45 खुद रखता है। अगर बारी आ जाती है शॉर्ट वीडियोज चैनल की तो वहां पर एड्स से जो रकम हासिल होती है उसका 45% कंटेंट क्रिएटर यानी कि यूट्यूबर को जाता है और 55% यूट्यूब खुद अपने पास रखता है और अपने खराजात पूरे करता है। अजीज दोस्तों, ये वो मालूम थी जिनकी वजह से आप अगर अपने कंटेंट को जानदार बनाकर हेल्पफुल और उस यानी मुल्क के लिए जिसका हाई सीपीएम है क्रिएट करके चलाते हैं उसके लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हेल्प ले सकते हैं की मदद से आप अपने अखराज यानी कि इनकम में इजाफा कर सकते हैं। ये थी वो मालूमात जो आप तक पहुंचाना जरूरी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।